हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अन अदर अमेजिंग वीडियो। तो इस वीडियो में एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसमें कोडिंग करना। ये कोडिंग की वीडियो है, इंट्रोडक्शन जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी कोडिंग है जो मैंने सीखी और इतनी फैसिनेटिंग है वो कोडिंग, मज़ा आ गया। तो मैं कोडिंग स्टार्ट करूँगा p5js.org। ये वेबसाइट वो है एडिटर p5, ये फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। मैं होम p5 पे क्लिक करूँगा और यहाँ आएगा स्टार्ट क्रिएटिंग विद द p5 एडिटर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। माय अकाउंट में आई स्केचेस एनिमेटेड लॉगिन, बहुत बड़ी कोडिंग कर रखी है मैंने। एक ये कोडिंग कराई है मैंने, ड्राइंग कोडिंग। कुछ भी बना सकते हो आप, चारों तरफ होगा। यहाँ मैंने एंगल यूज करा था और ये डिग्रीज भी यूज करी थी और ये क्रिएट बटन क्रिएट करे थे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ऑटो फ्रेश होगा, आप दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो बटन ही हैं, ये जो आ रहे हैं ना, ये बटन हैं, यहीं से आपकी स्लाइड की शुरुआत होगी। ओके, इफ आई वांट टू राइट, मैं यहाँ पे ऑटो फ्रेश रखूँगा एल ए KSHAY। ये देखो कैसा आ गया, बहुत ही अमेजिंग। ऐसे ही आपने क्लिक करा, आ गया, बहुत माइंड माइंड चीजें ड्राइंग करने के लिए। ओके, और दिखाता हूँ आपको माय स्केचेस। एक्चुअली मैं बहुत एक अच्छा स्केच देखना चाह रहा था। You can judicial, you know, what is this? I think ये है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ओके गाइज, जो आप इस इमेज को देखिए, क्या इमेजिन करो, कमेंट करो। ये दो चांद बनाए हैं मैंने, देखो यहाँ जाऊँगा तो ये, यहाँ जाऊँगा तो ये, कितना अच्छा लग रहा है ना, सो सैटिस्फाइंग। ओके, तो अब हम न्यू क्रिएट करते हैं। ये पहले से ही फंक्शन सेटअप ओवर फंक्शन ड्रॉ ये सब आते हैं खुद से। क्रिएट कैनवस में से 400 आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट आई डोंट वांट एक्सटेंडेड। बैकग्राउंड का कलर चूज कर सकते हो, मुझे बैकग्राउंड अच्छा लगेगा एज ब्लू। आपका फेवरेट कलर क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। या ये रन का ऑप्शन होता है, रन करोगे तो ब्लू बैकग्राउंड आ जाएगा। इसमें आप नए नए कलर्स भी खोज सकते हो, जैसे मैं ब्लू नहीं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी कलर नेम आई कैन राइट विद टेकिंग अ नंबर, लाइक 100, 50। आई कैन डिराइव न्यू टाइप्स ऑफ कलर, देखते हैं क्या आता है। मुझे कुछ नहीं पता कौन सा कलर आएगा। ओके, ये वाला कलर आया है। अगर इसको मैं 50 ना करूँ, इसको मैं 580 कर दूँ, देखते हैं। ओके नाइस कलर, ओके लेट्स कंटिन्यू विद दिस कलर ओनली। अब मुझे सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, तो रेक्टेंगल के लिए हम लेते हैं रेक्ट, देन ब्रैकेट हमेशा ओपन होगा, और इसमें हमें रेक्ट के लिए चार चीजें चाहिए। आप बताइए क्या क्या, अगर आपको पता है तो। सबसे पहले जो चीज हमको चाहिए वो है हमारे रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, एल और बी चाहिए सबसे पहले। तो ये तो मेन चीज है, पर ये आती है सबसे लास्ट में। जो सबसे ज्यादा मेन चीज है वो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये बहुत ज्यादा मेन है। सो देखते हैं यहाँ पे रन पे क्लिक करा तो कुछ भी नहीं आया। यहाँ पे मैं क्लिक करके रेक्टेंगल पे, जो सबसे पहले हमने कह रहा था कि फर्स्ट वी विल टेक एक्स एक्सिस, देन वी विल टेक वाई एक्सिस, देन वी विल टेक ब्रेथ, देन वी विल टेक लेंथ। तो
तो ये होगा हमारा ऑर्डर। हमें लिखना नहीं है कि इट इज एक्स एक्सिस, इट इज वाई एक्सिस, बट ये खुद इनका ऑर्डर होता ही है। ओके सो लेट्स स्टार्ट। रेक्टेंगल की कमांड हमेशा आर ई सी टी है। अगर मैं आपके सामने कुछ देखता हूँ, अगर मैं रेक्ट एंगल कर लेता हूँ तो कुछ होता है नहीं, तो इसकी करेक्ट जो है वो रेक्ट ही है। रेक्ट में हम सबसे पहले हमें इसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मुझे चाहिए बिल्कुल मिड में, ये बिल्कुल मिड में चाहिए मेरे को। 400 का मिड क्या होगा? हाफ 200। अगर ये कैनवस हमारा सपोज एक मिनट यहाँ पे मैं ऐसे कर दूंगा ना, तो अब आ जाएगा। ये हमारा कैनवस है 400 by 400 का। पेन लूंगा, मुझे इसका बिल्कुल मिड चाहिए, तो मिड क्या होगा इसका? इसका यहाँ से 200 होगा, यहाँ से 200 होगा, जो ये 200 होगा, इसलिए सो विम टेक 200। ओके तो बिना जल्दी से करते हैं। अब इसकी मैं एक्स एक्सिस लूंगा 200, इसकी वाई एक्सिस 150। एक मिनट में गलत हो गया, दोबारा गलत हो गया, 150 ले लिया। अब इसकी हमें क्या लेना है? 150 ये ले लिया। अब हमें इसके लेनी है ब्रेथ। ब्रेथ लूंगा मैं 80 ले लेते हैं, और इसकी लेंथ लेते हैं, इसकी लेंथ लेते हैं चलो 100 ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है ये, बड़ा नहीं है। तो देखो आपको लग रहा होगा कि ये हाफ का है, आप इसको देख के बोल रहे होंगे कि ये हाफ का है, ये तो हाफ है ही नहीं। तो आप यहाँ देखिए, जिस जहाँ से ये शुरू हो रहा है ये एग्जैक्ट हाफ, ये नहीं सॉरी, ये जो लाइन बन रही है ना, दिस वन लाइन, ये दिस वन, ये एग्जैक्ट हाफ हाफ है, ये एग्जैक्ट 200 है। ओके तो अब हम इसको फिल भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट फिल ऑप्शन। फिल में मैं नए कलर्स डिराइव करेंगे, नए कलर्स डिराइव करेंगे, जैसे 60, 56, 85, 78, 52। ये मुझे भी नहीं पता इसके कॉम्पोजिशन कैसे कैसे बनते हैं, भाई मैंने बना दिया। तो ये थोड़ा ग्रीन के कॉम्प्लिश में आ गया है, क्योंकि बीच की 58, 56 ऐसी है। अगर मैं यहाँ पे 1000 लूँ तो शायद कलर चेंज होगा, वो सेम 60 यार, बस हल्का सा डिफरेंस है, वरना इट्स सेम। ओके आई जस्ट डू वन थिंग, मैं इसको 520 की जगह 57 करता हूँ, 78 को 87 करता हूँ, और फिर 85 को मैं कुछ और लिखूंगा, इसको मैं 45 करता हूँ। अब देखते हैं कुछ कलर में चेंज आया नहीं, और सेम है। आई थिंक दैट इसको मैं अगर 5000 करके इसको मैं 70 कर दूँ तो शायद कुछ चेंज आए, नहीं कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। ओके सो हम एक पर्टिकुलर कलर ले लेंगे, वैसे ऐसे भी आप कलर्स डिराइव कर सकते हो। अगर मैं इसमें करूँ तो तब भी यही आ रहा है यार, अगर मैं 70 लूँ, बस 70 लूँ तो भी यही आएगा, नहीं तो डार्क। अच्छा तो 70 की ओके, देन आई जस्ट टेक 45 ईयर 454 तो भी यही आ रहा है। अब यहाँ पे मुझे बिल्कुल अच्छा लगेगा, मैं अपना मन पसंद लूंगा रेड, बंद करते हैं। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अब आगे देखो होता क्या है, इतनी मजेदार मजेदार वीडियोस होंगी। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करो, और मेरा चैनल लक्ष्य एडिक्ट्स को सब्सक्राइब करो प्लीज। ओके बाय।